ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड अब्दुल्ला की अब्दुल्ला ब्रांड की जो है वो आटा गूंदने की मशीन है, डो नीडिंग मशीन है ये। इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, नॉब के साथ आप टाइमर सेट करते हैं, अंदर ब्लेड जो है उसके अकॉर्डिंगली घूमना शुरू कर देता है, बीच में ऊपर ढक्कन ये फिक्स्ड है, इसमें 4 होल्स हैं, पानी इसके थ्रू जाएगा, नीचे आटा होगा। एक एक्स्ट्रा ब्लेड भी ये देते हैं, ये प्लास्टिक का है, अंदर वाला जो दूसरा लगा हुआ वो मेटल का है, साथ ही नीचे इंस्ट्रक्शंस आप देख लें पड़ी हुई होंगी। तो इसके अंदर आप जो है वो आटा गूंद के देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आटा छान के बगैर छाना आप इसके अंदर पहले डालेंगे, ब्लेड नीचे पहले फिक्स कर दिया होगा, ये बोल है स्टील का, ये बाहर भी निकल आता है, इसमें आटा डाल दिया और नमक वगैरह डाल दिया। अगर आप डालना पसंद करते हैं, कुछ लोग आटे में ऑयल भी थोड़ा सा डालते हैं, तो जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप उसमें पहले डाल देंगे और इसके बाद इसके ऊपर जो है ढक्कन लगा दिया जाएगा जो पहले उस प्लास्टिक है। थोड़ा सा नमक ऐड कर लें, उसके ऊपर जो है ये लिड लगा देंगे, ओपन क्लोज के डायरेक्शन उसमें मेंशन है, और फिर इसके बाद जो है वो आपने मोटर को चला देना है ताकि वो आटा जो है वो घूमना शुरू हो जाए। इस वीडियो को बनाने में 2 लोगों का रोल है, एक बंदा मशीन को चला रहा है और एक बंदे ने कैमरे को पकड़ा हुआ है। ये बात इसलिए बताई गई है इस वीडियो में ताकि ये रिकॉर्ड कर रहे, साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहेंगे उतना जितना के आपको आटा गूंदने के लिए रिक्वायर्ड है। टाइमर आप उसका एडजस्ट कर लें, कवर ही नहीं पा रहा कितनी देर के लिए जो है वो उसको आप गूंदना चाहते हैं। इसमें मैक्सिमम टाइम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 मिनट्स का है। उसके साथ आप ये कि उस मशीन को कुछ देर रेस्ट देने के बाद जो है वो आप दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं अगर मज़ीद गूंदना चाहें। पानी अपने हिसाब से जो है आप जितना आटा रखना पसंद करते हैं सख्त या नरम उस हिसाब से आप पानी ऐड करेंगे, वो थोड़ा थोड़ा करके इन जो ऊपर 4 होल्स हैं ढक्कन जो ऊपर है उसको आटा जो है काफ़ी देर जो है मैं कुछ मिनट जो है वो 4-5 मिनट चल चुका है और ये इवेंचुअली इस तरह की शक्ल ले लेगा। इसको आप बोल में से निकाल लें और कंटेनर बाहर निकल सकता है, उसको धोना जो है वो काफ़ी आसान है। आप उसको मशीन के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, ब्लेड भी बाहर निकल आता है और उसको धो के सुखा के आप वापस रख सकते हैं। ठीक है।